इंडिया का क्लाइमेट देख ही रहे हो, G20 सबमिट कंप्लीट हुआ है और टिच G20 के लिए ही बारिश हुई है, ठीक है। आज मौसम ठीक है, आज ख़त्म हो गया, आज मौसम ठीक है, तो किसी को यह तो नहीं लग रहा कि चाइना की कॉन्स्पिरेसी है, वो सक्सेसफुल है मतलब क्लाउड सीडिंग में, वो बारिश करवाने में उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो कई ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखते हैं, हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी दिखती है उनको, गवर्नमेंट का कोई काम हो, पब्लिक सेक्टर में कोई काम हो, कोई एक्टर मर गया, कोई कुछ, हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी देखते हैं। और ये सबसे ज़्यादातर अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस करते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं किसी की कॉन्स्पिरेसी ज़रूर होगी। खैर कोई नहीं, आज का टॉपिक है क्लाइमेट, हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, एक क्लाइमेट और दूसरा जो है वो सोयल। तो सोयल वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी हम क्लाइमेट करते हैं। तो क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज टोटल वेदर कंडीशन। क्या होता है ये, टोटल वेदर कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस आ सकती है, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्रेशर, ठीक है, उसके अलावा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी किस तरीके से वहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है, स्नोफॉल होता है, हेलफॉल होता है या रेनफॉल होता है, क्या होता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें वेदर कंडीशंस में पहला आ जाएगा टेम्परेचर, कि किसी जगह का ऑलमोस्ट कंडीशन यानी कि टेम्परेचर का कंडीशन क्या है, उसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि उस जगह का प्रेशर किस तरीके से है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन कैसे, कब, किन दिनों में होता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में बारिश कब होती है, मानसून में, तमिलनाडु में बारिश कब होती है, जब मानसून रिट्रीट हो रहा होता है, अभी नहीं होती, सर्दियों में होती है बारिश, ठीक है, ये चीज है प्रेसिपिटेशन। फिर उसके बाद में ह्यूमिडिटी, अब आप देखो कि केरला और तमिलनाडु में कितनी ह्यूमिडिटी होती है, जबकि राजस्थान क्या रहता है, ड्राई, राजस्थान जो है वो ड्राई रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसी में विंड भी कर लो, किसी जगह की हवा कैसे चलती है, ठीक है, ये कंडीशंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट, ठीक है। और वेदर क्या होता है, ये क्या होता है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी रीजन, किसी रीजन पे एट एनी पॉइंट ऑफ, हाँ, किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे एटमॉस्फेयर का कंडीशन या एटमॉस्फेयर का स्टेट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। और ये पूरा कंडीशन एक लंबे समय तक अगर किसी इलाके में रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। आपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि हमारे टाइम में अक्टूबर में गर्मी, सर्दी आ जाती थी, आज के टाइम में देखो कब तक आती है, नवंबर दिसंबर तक चला जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है कि पहले ये हो जाता था, अब ये हो जाता है या अब नहीं होता है, जो लोग ये कहते हैं उनके एज में और आपके एज में कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स के अराउंड, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन अगर 30-40 इयर्स तक कंटिन्यू, मतलब ये 30-40 इयर्स तक का एग्रीगेट होता है, और ऑलमोस्ट इस एज के बाद या इस टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है।
ऑलमोस्ट इस टाइम पीरियड के बाद उस जगह का कंडीशन चेंज हो जाता है। क्या कंडीशन चेंज हो जाता है, मतलब ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अब आजकल आप देखते होंगे कि बिन मौसम बरसात ज़्यादा हो रही है। आप बुजुर्ग से पूछो तो पहले इतनी तरीके की बिन मौसम बरसात नहीं होती थी। शहर में कभी भी बारिश हो जाती है, उसका मेन कारण पॉल्यूशन है। शहर में जितनी इंटेंसिटी के साथ आज बारिश होती है, उतनी इंटेंसिटी के साथ गांव में बारिश नहीं होती। कारण पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प कर देते हैं। तो इसीलिए फ्लैश फ्लड्स जो है वो सिटीज में दिखते हैं और गांव में नहीं दिखते हैं। गाँव में मोर और लेस जो सीजनल प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, वही दिखता है, यानी कि कंटिन्यूस रेनफॉल दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। सो दिस इज व्हाट क्लाइमेट इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब हमारा दुनिया में कई तरीके के क्लाइमेट होते हैं और ये हमने पढ़ा है कोपन्स क्लाइमेटिक डिवीजन, ए बी सी डी, बड़े ए बी सी डी। ए होता है ट्रॉपिकल के लिए, बी होता है ड्राई के लिए, इस तरीके से सी डी ई होता है, और फिर उसके बाद में छोटा ए बी सी डी भी होता है। जैसे अगर एम लिखा है तो उसका मतलब मॉनसून हो गया, एस लिखा है मतलब ड्राई सीजन कब आएगा, समर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्या बोलते हैं डब्ल्यू लिखा है तो ड्राई सीजन इन विंटर, अगर जी लिखा है तो गैंगेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ल्ड का क्लाइमेट का डिवीजन है। ठीक है, इंडिया का हम पर्टिकुलरली ए एम डब्ल्यू, यानी कि मॉनसून, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, हम इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके का मानते हैं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट ए एम डब्ल्यू। और एग्जांपल के तौर पे हम दो चीज़ें लेंगे, पहला जो चीज़ है वो है प्रेसिपिटेशन और दूसरा जो है वो है टेम्परेचर, समझने के लिए। इस टाइप में भी अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो बहुत वैरायटी है इंडिया के क्लाइमेट में। ठीक, अब मान लेते हैं कि हम समर की बात करते हैं। समर का मतलब गर्मी की सर्दी, गर्मी। गर्मी में राजस्थान में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, ये दिन दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक उसी दिन जम्मू कश्मीर में कितना टेम्परेचर रहेगा, या कश्मीर वैली में अराउंड 20 डिग्री, ये बड़ा वेरिएशन है 30 डिग्री का। ठीक उसी तरीके से अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में द्रास या कारगिल में कितना -40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। ठीक उसी टाइम पे आप केरला चले जाओ, तिरुवनंतपुरम कैसा रहता है, हार्डली 25 पहुंचता है, 20-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो फ्लक्चुएट करेगा, और जितना ज़्यादा वो नज़दीक होगा इक्वेटर से उतना ही कम वेरिएशन नज़र आएगा। ठीक है, तमिलनाडु में कम वेरिएशन नज़र आएगा और जम्मू कश्मीर में क्लाइमेटिक वेरिएशन ज़्यादा। ठीक है, या कॉन्ट्रास्ट जो होगा टेम्परेचर में वो ज़्यादा होगा। अगर हम दिन दिन की बात करें तो राजस्थान में दिन में टेम्परेचर जैसलमेर में 40-50 डिग्री तक चला जाए, और वहीं रात में ठंड पड़ जाएगी, रात में रजाई चाहिए आपको। हाँ, अरे तो दिन भर अगर 50 में रहोगे तो 25 का क्या मतलब है, रजाई चाहिए आपको। ठीक, तो एक ही दिन की बात है, सिर्फ अलग अलग जगह पे भी विद इन डेज ये वेरिएशन इंडिया में मिलता है। बारिश की अगर बात करें तो राजस्थान का इलाका हार्डली जो है वो रेन रिसीव करता है। ठीक सीधे 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 चले जाओ मनसेराम, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो ऑन एन एवरेज जब मॉनसून आता है तो 250 सेंटीमीटर की जो है वो रेनफॉल वो रिसीव करता है वेस्टर्न घाट। जो सोयल के लेवल में कितना नीचे तक पानी जो है वो जाता है, ठीक है, तो उससे उसको मेजर करते हैं कि कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है। ठीक है,
हाँ तो ये चीज है, ठीक है ठीक है, तो ये चीज है। अब वही देखो, अगर हम सीजनल मानसून की बात करें या सीजनल प्रेसिपिटेशन की बात करें, तो पूरा देश मानसून के टाइम पे यानी कि जून से लेकर के और सितंबर तक के बीच में बारिश रिसीव करता है, और तमिलनाडु अक्टूबर नवंबर में रिसीव करता है। तो ये वेरिएशंस है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चीजें चलती हैं। हाँ हाँ देखो, वहां पे ट्रैप हो जाती है, जो वेपराइज्ड एयर होती है, मॉइस्चर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, इसलिए वहां पे ज्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। और एक और चीज, जैसे अगर आप कोलकाता से दिल्ली की तरफ आओ, तो बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी कि घटती हुई नजर आएगी? कोलकाता से दिल्ली की तरफ आओ, कम होगी, कम होगी, क्योंकि कोस्टल रीजन से आप बियॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो इसके बाद ही हम बताएंगे कि 6 क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो किसी भी जगह के रीजन को या किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। उनमें एक कॉन्टिनेंटालिटी भी होती है, बट बिफोर दैट नोट डाउन दिस वन। देयर आर 6 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसमें पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? ये लैटिट्यूड्स है, क्या है ये? ये लैटिट्यूड्स है। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये सब क्या है? ये सब लैटिट्यूड्स है, ठीक। और अगर सीधी सीधी लाइन खींच दे तो क्या बन जाएगा? अगर हम ये इस तरीके से कर दे, ठीक है, जैसे ये तो पोल हो गया, ठीक है, ये लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गई, क्या हो गई? लॉन्गिट्यूड। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड इज हाइट, एल्टीट्यूड इज हाइट। तो लॉन्ग लैटिट्यूड ये, लॉन्गिट्यूड ये, और जब इसको मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? जब इसको मिक्स कर देते हैं तो ग्लोब बन जाता है ना? जब इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है? ग्लोब। दिस इज ग्लोब। इसमें लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा जो होता है इससे रिलेटेड है, अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ हीट पड़ता है और उसके वजह से प्रेशर बनता है, ठीक है। तो प्रेशर एंड विंड, ये आपका तीसरा फैक्टर है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर इज कॉन्टिनेंटालिटी। कॉन्टिनेंटालिटी। फिफ्थ फैक्टर इज ओशियन करंट्स। एंड लास्टली रिलीफ, यानी कि कोई माउंटेन हो या फिर हाईलैंड हो, ये सारी चीजें। तो ये 6 फैक्टर हैं जो अलग अलग तरीके से क्लाइमेट को वेरी करती है। कैसे? अब देखो, लेटिट्यूड में नियर इक्वेटर क्या होगा? नियर इक्वेटर हाई टेम्परेचर होगा,
इसके वजह से हाई प्रेशर भी क्रिएट, सॉरी प्रेशर जो होगा वो लो हो जाएगा और टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड एट इक्वेटर इज मच लार्जर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, धरती पे सबसे ज्यादा। इसीलिए तो दो ट्रॉपिक्स के बीच में क्या बनता है, इन दो के बीच में क्या बनेगा, टॉरिड जोन, फिर ये दो के बीच में टेम्परेट जोन, ये क्या है टेम्परेट जोन, और ये क्या है फ्रिजिड जोन, ये क्या है फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड जोन का मतलब ऑल अराउंड द ईयर सनलाइट रिसीव होगा, ठीक है, और जहां जहां भी होगा स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। अब एकदम हर जगह स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो, क्योंकि सन अर्थ पे जो रोशनी आएगी सन की वो किसी रीजन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही सीधी होगी, उसके अलावा उसका एंगल जो है वो स्लैंटिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ लाइक टॉर्च से आप कहीं भी रोशनी डालते हैं और वो भी कर्व स्ट्रक्चर पे, बॉल जैसे बॉल है तो कर्वेक्चर है उसका, उस पर रोशनी डालोगे तो हर जगह तो एक इंटेंसिटी से पड़ेगी नहीं, तो यही फर्क पड़ता है। तो लैटिट्यूड का यही मतलब है कि अगर इक्वेटर पे ज़्यादा रिसीव होती है और जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ऐसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रेशर की बात करें तो इक्वेटर से जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, हालांकि विंड सिस्टम और हीट ट्रांसफर जैसी फिनोमिनाज अकर करते हैं जिसके वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है और जगह जगह पे हाई एंड लो प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, फिर उसके बाद में सब पोलर पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और फिर यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्या होता है हाई प्रेशर। तो ये इस तरीके से कुल 7 प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, किसके वजह से, टेम्परेचर एंड एयर के वार्म होने के वजह से, ठीक है। इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ता है तो लो, फिर हाई सराउंडेड बाय हाई, एंड हाई इज सराउंडेड बाय लो, हाई प्रेशर इज सराउंडेड बाय लो प्रेशर एंड लो प्रेशर इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, ये पूरे ग्लोब पे इस तरीके का पैटर्न क्रिएट होता है। हाइट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो एयर एटमॉस्फेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस सरफेस के पास है, उसकी इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड मटेरियल जो डस्ट पार्टिकल क्रिएट करते हैं, उसके अलावा सूट, उसके अलावा जितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सब कुछ किस में है, लोअर पार्ट में। तो लोअर पार्ट में नियर सरफेस क्या होता है, हाई होता है टेम्परेचर, और सरफेस के ऊपर जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड, ये जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब एयर जो होता है उसमें जो फोर्स जो वो अर्थ के सरफेस पे एक्सर्ट करता है, बाइक चलाओ हवा आ रही है आपको डिसबैलेंस करती है, साइकिल चलाओ ज़्यादा तेज हवा आ रही है तो डिसबैलेंस करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक उसी तरीके से सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है जब, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो वो सरफेस पे ज़्यादा होता है और एल्टीट्यूड पे कम हो जाता है। तो दो तो ये चीज़ें हो गई, प्रेशर एंड विंड। प्रेशर किससे क्रिएट होता है, हीट के वेरिएशन से, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हीट होती है, तो उस तरीके से। अब विंड जो है हवा का एक पैटर्न है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और जब ये मूव करेगा तो हाई प्रेशर में जैसा भी टेम्परेचर, जैसा भी वेरिएशन होगा, मॉइस्चर होगा, उन सभी चीज़ों को लेकर के लो प्रेशर की तरफ जाएगा, इसी को विंड सिस्टम बोलते हैं। जो हवा चलती है, अब जैसे टॉरिड जोन है, ये टॉरिड जोन है,
टॉरिड जोन में लो प्रेशर है, ठीक है, लेकिन टेम्परेट जोन के बॉर्डर पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर का मतलब ठंडा होगा कि गर्म होगा? हाँ, कंपैरेटिवली ठंडा होगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि हम कंपैरेटिवली देखते हैं कि कोई चीज़ हाई है या फिर लो है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये इसके कंपैरिजन में ये ठंडा होगा, तो यहाँ से हवा इधर को चलेगी और यहाँ से ऐसे। अब ठीक इसी तरीके से हाई से फिर लो की तरफ चलेगी, या हाई से लो की तरफ चली, फिर हाई से लो की तरफ चलेगी, और इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं, विंड। ये जो हवाएं चल रही हैं, ये इस तरीके से जो चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, विंड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये ट्रेड विंड है, ये दोनों इक्वेटर के पास मिल रही है, तो ये क्या है, ट्रेड विंड है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है तो ईस्टर्लीज है, ठीक। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है तो वेस्टर्लीज है, ये दोनों, और इनको वेस्टर्लीज ही बोलते हैं, हालांकि इनको साउथ हेमिस्फीयर में अलग 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 नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे फ्यूरियस 50s, रोरिंग 60s, श्रीकिंग 60s, ठीक है, और नॉर्थ में हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी एक फिनोमिना क्रिएट होता है, वो भी इसी जोन में, वेस्टर्ली के जोन में होता है। ये चूंकि वापस से ईस्टर्लीज है तो इनको वेरिएशन देने के लिए हम बोल देते हैं, क्योंकि ये पोलर पोल के पास है, इनको हम बोल देते हैं पोलर ईस्टर्लीज। तो ये कोल्ड विंड्स है, ठीक है। अब ये वार्म है, ठीक है, और ये जो है ऊपर वाली दोनों जो है वो ठंडे इलाके से आ रही है, तो क्या होगी, कोल्ड विंड होगी, वो ठंडी हवा लेकर के आती है, ठीक। अब मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी ठंडी हवा में ज्यादा होती है कि गर्म हवा में ज्यादा होती है? गर्म में, हाँ, वार्म एयर में मॉइस्चर ज्यादा कैरी होता है, और ठंडे एयर में, हाँ, क्योंकि उसमें ड्राइनेस होता है, ठंडे में तो ऑलरेडी वो ड्राइनेस उतना है नहीं, तो मॉइस्चर कहाँ कैरी करेगा। तो इसलिए इन इलाकों में जो भी वार्म एयर होगी, जो गर्म हवा होगी, वो जहाँ भी वाटर बॉडी से गुजरेंगी उसके मॉइस्चर को कैरी करती है, और फिर जहाँ वो कूल डाउन होगी वहाँ पे वो क्या करेगी, प्रेसिपिटेट। तो आप पता करो कि दिल्ली NCR में जो बारिश हुई है अभी 2 दिनों में, ये कहाँ से हवा आई और कैसे हवा आई, ठीक। कॉन्टिनेंटालिटी ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कॉन्टिनेंटालिटी का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी। समंदर के किनारे जो हवाएं चलती है, ऑनशोर विंड्स बोलते हैं उनको, वो मॉडरेटिंग क्लाइमेट को मॉडरेट करने का काम करती है। मॉडरेट मतलब एक्सट्रीम नहीं होने देती, बैलेंस करने का काम करती है। तो जितना ही ज्यादा आप समंदर किनारे से दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा ये मॉडरेटिंग इफेक्ट खत्म होता जाएगा, और मॉडरेटिंग इफेक्ट खत्म होगा तो एक्सट्रीम कंडीशंस बनेंगी। क्या बनेंगी? एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग होगा। जैसे तिरुवनंतपुरम में या केरला में दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन राजस्थान के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो एक्सट्रीम डिस्टेंस जो कॉन्ट्रास्ट है, ये किससे हुआ है? क्योंकि राजस्थान जो है वो समंदर किनारे से काफ़ी दूर है। दिल्ली जो है, दिल्ली में गर्मी जितनी होती है उतनी ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मुंबई में आप टी शर्ट पहन के चारों हर महीने घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं है? चेन्नई में आप ऐसे ही लुंगी लपेट के घूमते रहो पूरे साल। आप यहाँ पे जनवरी में, जो प्रेमचंद ने पूस की माँ लिखी हुई है, ठीक है, पूस माँ, पूस की माँ मतलब सर्दी के टाइम पे पड़ता है, पूस का महीना जो होता है वो बहुत सर्दी का होता है, आप लुंगी लपेट के निकल सकते हो, लेकिन इस देश के बहुत सारे मजदूर हैं जो उस टाइम पे भी लुंगी लपेट के खेतों में काम करते हैं। बहुत सारे किसान हैं जो करते हैं काम, ठीक है। तो मैं एक उस कॉन्ट्रास्टिंग में बोल रहा हूँ कि डिफरेंस जो है वो काफ़ी होता है, और उसी को हम कॉन्टिनेंटालिटी कहते हैं। ओशियन करेंट्स, जैसे ये इलाके में गर्म हो गया, इसी तरीके से अगर उस इलाके में सरफेस नहीं होकर के वाटर बॉडीज है, तो वो वाटर बॉडी भी गर्म होगी, हीट होगी, और वो भी फिर कहीं ना कहीं मूव करेगी। तो जब वो ओशियन करंट्स जब मूव करते हैं एक दूसरे जगह से, तो वो भी अपने मॉडरेटिंग इफेक्ट या हॉट एंड वार्म
हॉट एंड कोल्ड जो कंडीशंस है उसको कैरी करके चलते हैं, और उनके कांटेक्ट में जो भी एयर आता है वो फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। ठीक, अगर वो पानी गर्म है और सामने से ठंडा आ गया, ठंडी हवा आ गई, तो क्या होगा? पानी तो गर्म है, ओशियन करेंट्स वार्म है, और उस और जिस इलाके में वो गई वहाँ पे कोल्ड विंड आ गया, तो पानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठंडी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ओशियन करेंट्स जो है वो अलग अलग जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा हाँ कैरी करते हैं। हाँ, ओशियन करेंट्स के फैक्टर में भी विंड आता है कि विंड्स जो है, हवा जो है वो ओशियन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, उसके डायरेक्शन को डिसाइड करती है। ठीक है, फिर आता है रिलीफ हाईलैंड। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट करता है ऐसे, क्योंकि मान लेते हैं ये माउंटेन है और कोई ये विंड जा रही है, ठीक है, तो विंड को ये फोर्स करेगी कि ये ऊपर उठे, और ऊपर उठेगी तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। ऊपर जैसे उठेगी वो कूल होना शुरू हो जाएगी, ठीक, और वहाँ पे बारिश हो जाएगी। ये ज़्यादातर ऑनशोर विंड्स में होता है, समंदर किनारे जो होते हैं ना, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, क्या होगा, हवा आएगी माउंटेन की वजह से, अपलिफ्ट होगी, फिर वहाँ पे उस फिनोमिना को का प्रोसेसिंग होगा, यानी कि मॉइस्चर कूल डाउन होगा, कंडेंस होगा और प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और उसके बाद में फिर ये हवा इधर को चली जाएगी। तो अब ये जो हवा है, ठीक है, ये तो मॉइस्ट है, मॉइस्ट एंड कूल हवा है, ठीक है, ये ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने की वजह से ये हॉट भी हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर सारा बारिश बन के गिर गया है। तो अब ये जो है, ये इसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। तो ये हमेशा याद रखना, रिलीफ वाले में बारिश जो होती है वो हमेशा विंडवर्ड साइड होती है, और लीवर्ड साइड जो होती है वो ड्राई रहता है। लीवर्ड साइड जो है वो क्या होता है, ड्राई होता है। अगर मैं महाराष्ट्र लोकेशन को ले लूँ तो वेस्टर्न घाट्स के रूप में ये हाईलैंड क्रिएट मतलब एक्ट करेगा, और जो भी बारिश, जो भी मॉइस्चर आ रहा होगा वो अपलिफ्ट होगा और मुंबई के इलाके में बारिश करेगा, और फिर जब पार करके जाएगा तो ये विदर्भ का इलाका हो जाएगा, तेलंगाना का रीजन हो जाएगा, जो बेसिकली ड्राई है कम्प्लीटली, जहाँ किसान परेशान है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है और नेचुरली बारिश होती नहीं है। अब यही चीज कॉन्टिनेंटलिटी का भी तो फर्क है। अब आप मुंबई महाराष्ट्र के पास देखिए कि इंडिया का कितना लंबा रूट है, उसके बाद समंदर आएगा, और केरला का देखिए, केरला से कितना डिस्टेंस पे जाकर के सीधे जाएंगे तो हम समंदर आएगा। इट इज लाइक दिस, महाराष्ट्र में इतना डिस्टेंस है, केरला में इतना डिस्टेंस है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि यहाँ तक जो इम्पैक्ट है इस साइड के विंड का है, और यहाँ तक इम्पैक्ट जो है किस साइड के, इस साइड की हवा का है, तो बीच का ये पार्ट तो ड्राई रह जाएगा, रह जाएगा ना। आप देखेंगे तो हमारे देश का जो ड्राई प्लेसेस है, जहाँ पे किसानों को परेशानी होती है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मानसून बेस्ड वो इरिगेशन करते हैं, तो मानसून के वजह से ये वो इलाके हैं जो हमेशा ड्राई रहता है, और ये महाराष्ट्र से जैसे जैसे नीचे आएंगे वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा पता है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा और इन सब में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वो सब इस तरीके से काम करते हैं, तो हर माउंटेन के विंडवर्ड साइड में बारिश हो जाती है और दूसरी साइड में नहीं होती है, ड्राई रह जाता है। तो छोटे छोटे हिल्स भी अगर इन इलाके में है तो वहाँ भी इसी तरीके का इम्पैक्ट होता है और वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। इसीलिए इन सभी जगहों पे अब कोई स्नो, नीचे जितनी भी जगह है, ये साउथ इंडिया वाला पार्ट, इन जगहों पे कोई परमानेंट स्नो तो है नहीं, इसी तरीके से बारिश होती है, तो यहाँ की जो रिवर्स है वो सारी की सारी सीजनल है, बारिश होती है तो पानी आता है, नहीं होती तो नहीं आता है। कोई डाउट है इसमें, पक्का इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये बताओ कि इंडिया में कितने सीजन होते हैं? तीन। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से,
सीजन इन इंडिया, ठीक है, बट उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मॉनसून क्या होता है। यही हमारा मेन क्लाइमेट है, हम इंडियन क्लाइमेट को मॉनसून टाइम क्लाइमेट मानते हैं, ठीक है, और ये रेनी सीजन में आता है, ठीक है, या मॉनसून सीजन भी बोलते हैं, मॉनसून सीजन और रेनी सीजन, ये दो चीज़ें दो बातें कहते हैं, ठीक है। मॉनसून होता क्या है? मौसम, ये क्या है? अरबिक वर्ड है, ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है? वही क्लाइमेट, वेदर, लेकिन इसका एक्चुअली में जो अरेबियन पीपल ने जो डिस्क्राइब किया है वो है रिवर्सल, रिवर्सल इन विंड फ्लो, ठीक है। हवा जो बहती है उसमें रिवर्सल होता है। अब उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि हवा बहती कैसे है, इसीलिए मैंने ये मिटाया है, ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर के आया, ठीक है। तो इक्वेटर के पास क्या क्रिएट होता है? इक्वेटर के पास होता है लो प्रेशर, ठीक है, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? हवा इधर से आती है और हवा इधर से, तो ये जो दोनों हवा है ये क्या है? ये ट्रेड विंड है, क्या ये ट्रेड विंड, इन्हीं को हम ईस्टर्ली कहते हैं, क्या बोलते हैं? ईस्टर्ली, ये क्या है? ईस्टर्ली विंड, ठीक। अब ये ईस्टर्ली विंड जो है ये कहीं ना कहीं ये आपस में जा रही है, तो क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्ज करके और उसके बाद ये राइज होगा, यानी कि एल्टीट्यूड इनका जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ऊपर की ओर। इसी कन्वर्जेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ठीक, समझ गए। अब इंडिया का लोकेशन देखोगे आप, ठीक है, तो इंडिया है ये 0 degree है, ठीक है, और इंडिया कहीं पे यहाँ पर 8 degree नॉर्थ के पास, 8 degree नॉर्थ। अब कायदे से जो समर का टाइम होता है हमारे यहाँ, ठीक है, उस टाइम पे जो नॉर्मली जो ये आईटी सीजन जो लो प्रेशर है, ठीक है, या आईटी सीजन ये 5 degree ऊपर शिफ्ट कर जाता है, तो जनरली ये 5 degree to 5 degree होता है, अब 5 degree ऊपर शिफ्ट कर गया तो ये अलार्म पहुंच जाता है कहाँ? 10 degree पर, ठीक। और हमें पता है कि 21 जून क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एकदम ओवरहेड क्या होता है? सन होता है, सूरज की रोशनी। और ये जो है ये ग्रेट प्लेन्स से होकर के गुजरता है, तो यहाँ पे आईटी सीजन जैसा फिनोमेना इसके अराउंड एंड तिब्बत, इसके अराउंड तिब्बत के अराउंड क्रिएट हो जाता है। अब ये और ये दोनों इलाके कौन से वाले हो गए? लो प्रेशर वाले, तो यहाँ पे फिनोमेना चेंज हो जाता है। अब ये इक्वेटर है तो यहाँ से इधर की तरफ नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? ये तो ऑलरेडी लो प्रेशर पे, तो क्या हवा इधर से ऐसे आएगी कभी इक्वेटर की तरफ? नहीं आएगी। और क्योंकि लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है तो हवा किधर को जाएगी? इधर को जाएगी, ठीक। दूसरी चीज, हवा ऐसे को जाती है, ठीक है, लेकिन अब इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए ये स्टर्लिंग विंड्स है। कौन सी विंड्स है? ये स्टर्लिंग विंड्स है, तो ये साउथ हेमिस्फीयर की जो स्टर्लिंग विंड है उनका फ्लो नॉर्मल फ्लो कैसा होता है? ये होता है, यानी कि इसको डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, लेकिन ये अपना डायरेक्शन तिब्बत की तरफ मूव कर लेता है, और ये जो डायरेक्शन ऐसे जाना चाहिए और यूं हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्सल ऑफ, क्या बोलते हैं?
इसको रिवर्सल ऑफ विंड, उल्टा हो गया ना, ज्यादा चीज इसको नॉर्थ वेस्ट और जा कहां रही है ये नॉर्थ ईस्ट, कहां जा रही है नॉर्थ ईस्ट, और दूसरी चीज आना चाहिए इसको साउथ ईस्ट से और आप कहां से रही है साउथ वेस्ट, आप कहां से रही है साउथ वेस्ट से, इसीलिए इंडियन मॉनसून को हम क्या बोलते हैं इंडियन मॉनसून इज इक्वल टू साउथ वेस्ट मॉनसून, समझ गए, इंडियन मॉनसून को हम क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि हवा का नाम हमेशा जिस डायरेक्शन से वो आ रही होती है उसी पे रखते हैं, अगर समंदर से आ रही है तो सी वोल सी वेव्स हो गई, ये क्या बोलते हैं सी ब्रीज हो गया, अगर जमीन से जा रही है तो लैंड ब्रीज हो गया, माउंटेन से आ रही है तो माउंटेन ब्रीज हो गया, वैली से जा रही है तो वैली ब्रीज हो गया, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्ली, वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली, साउथ वेस्ट से आ रही है तो साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट से आएगी तो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, ठीक। तो ये हवा का नाम जिस डायरेक्शन से आ रही है उससे करते हैं, ना कि जिस डायरेक्शन को जा रही है, कोई डाउट, तो ये फिगर बना लो, फिर बताते हैं कि मॉनसून कब आता है और कैसे कैसे आता है, तो वो आपको नोट डाउन कर, तो एक एक करके लिखना शुरू करिए, पहला पॉइंट, और शॉर्ट में कोशिश करिएगा जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिख पाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग मॉनसून। सबसे पहली चीज, इट एग्जिस्ट अराउंड 100 टू 120 डेज, 100 से 200 दिन तक मॉनसून रहता है इंडिया में, ठीक है। इंडियन मॉनसून और फीचर्स लिख लीजिए बस, पहला पॉइंट है कि ये 100 टू 120 डेज के अराउंड जो है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। द अराइवल इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मॉनसून, BURST, बर्स्ट मतलब मॉनसून का फटना एक तरीके से, जब मॉनसून अराइव करता है तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, ठीक है। अराइव कब करता है, जहां अराइव लिखा है अंडरलाइन करके लिख दीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून ऑन वेस्टर्न कोस्ट या कन्याकुमारी, हाँ फर्स्ट वीक ऑफ जून केरला तमिलनाडु के कोस्ट पे ये स्ट्राइक करती है, ठीक, फर्स्ट वीक ऑफ जून, और इंडिया के उस वी टाइप के शेप के वजह से इट डिवाइड्स इन टू ब्रांच, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक को हम अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं और दूसरे को हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच अरेबियन सी की तरफ आ जाती है और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो यहां पे जब स्ट्राइक करती है तो दैट इज फर्स्ट जून, ठीक, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरी ये अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, दूसरा अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा और पहला बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब आपको पता है ये अरावली है, ठीक है, तो ये अरावली के इस साइड से चली जाती है और इसके वजह से ये वाला इलाका ड्राई रह जाता है, ठीक है ना, अरावली के भी ये ईस्ट से चली जाती है, वेस्ट ड्राई रह जाता है, ठीक। और ये दोनों ब्रांच कहां पे जाके मिलते हैं, दिल्ली टू दिल्ली एंड यूपी में ये दोनों ब्रांचेज जो है वो आकर के मिलती है, यहाँ पे जो कर्वेक्चर है माउंटेन का, ठीक है, जो माउंटेन है नॉर्थ ईस्ट में उसके वजह से ये स्ट्राइक करके नॉर्थ की तरफ चली जाती है, दिल्ली की तरफ आ जाती है। दिल्ली में बारिश कौन से मानसून विंड से होती है, अरेबियन सी से कि बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि
अलाहाबाद जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नदियों का नहीं बल्कि इस तरीके की दो हवाओं का भी उसके आसपास के इलाकों में संगम होता है। ठीक, चलिए तो दो पॉइंट लिख लिए। तीसरा लिखो, बाय मिड जून अरेबियन सी रीचेस सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन। कच्छ, सौराष्ट्र एंड कच्छ मतलब गुजरात बेसिकली। ठीक है, बाय एंड ऑफ जून, बाय एंड ऑफ जून बे ऑफ बंगाल ब्रांच रीचेस दिल्ली। ये जनरल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो हमने नोटिस किया है। अब रिसेंट रिसर्च ये कहता है कि मॉनसून का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, पॉल्यूशन का फैक्टर है, ग्लोबल वार्मिंग का फैक्टर है, लेकिन जब तक वो एनसीईआरटी में आएगा नहीं तब तक हम उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। अपडेट रहिए कि चेंज होता है, बट फिलहाल पढ़ने के लिए यही रखेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यूपी पंजाब एंड हरियाणा यहाँ पे मानसून पहुँचता है, यूपी पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, और ये कंबाइन होता है, ये ब्रांच ये कंबाइन होता है ये। ठीक है, बाय मिड जुलाई मानसून रीचेस ऑल द कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु। बाय मिड जुलाई मानसून रीचेस ऑल द कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु को छोड़ के बाकी ऑल द स्टेट्स, हाँ तमिलनाडु छोड़ के बाकी सभी जगह मानसून पहुंच जाता है। ठीक है, रिट्रीट और विदड्रॉल, रिट्रीट एंड विदड्रॉल वापसी जो होती है, ठीक है, रिट्रीट और विदड्रॉल स्टार्ट्स बाय मिड सेप्टेंबर। मिड सेप्टेंबर और अर्ली सेप्टेंबर, ठीक है, मिड और अर्ली सेप्टेंबर दोनों ही टाइम पे जो मॉनसून का विड्रॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाय मिड अक्टूबर इट विदड्रॉन फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब नॉर्थ इंडिया से कम्प्लीटली बाय मिड अक्टूबर बाहर हो जाता है, मतलब विड्रॉ हो जाता है। ठीक, बाय अर्ली दिसंबर मॉनसून हैज विदड्रॉन फ्रॉम ऑल द कंट्री, मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मॉनसून हैज विदड्रॉन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय अर्ली दिसंबर। अब इंडिया का जो आइलैंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन पे पड़ता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इंडियन आइलैंड रिसीव मॉनसून सीजन्स इन इंडिया। अब ये मॉनसून अफेक्ट तो करता ही है, रेनी सीजन क्रिएट करता है, इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देयर आर फोर क्लासिफिकेशन ऑफ सीजन्स, 1, 2, 3, 4 करके लिख लीजिए, देयर आर फोर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सीजन्स कि हमारे देश में कितने सीजन होते हैं। ठीक है, और उनमें पहला सीजन है विंटर सीजन, पहला क्या है विंटर, दूसरा क्या है समर,
तीसरा क्या है? मानसून, ठीक है, और चौथा क्या है? पोस्ट मानसून। फोर्थ इज पोस्ट मानसून। इसी को हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कब से कब तक रहता है? विंटर दिसंबर से अप्रैल माना जाता है, ठीक है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से है, और किताब के हिसाब से नवंबर टू फरवरी ये माना जाता है कि विंटर है, ठीक है। प्री मानसून यानी कि समर की अगर बात करें, इसको हम, हाँ, इसको हम प्री मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। तो समर का जो सीजन होता है वो अप्रैल टू जून माना जाता है, अप्रैल टू जून। लेकिन इसके हिसाब से मार्च से, मार्च टू मई माना जाता है, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ ही जाता है, ठीक है। तो मानसून का सीजन, रेनी सीजन जून से सितंबर माना जाता है, जून टू सितंबर, ठीक। और पोस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक। इसी को हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक। इसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। अब ये चारों जब लिख लो, लिख ही लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट दो, विंटर सीजन, कि विंटर सीजन में क्या होता है। डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड। वार्म, नाइट्स आर कोल्ड। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल, पी आर ई वी ए आई एल, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल द कंट्री ड्राई सीजन, ये भी एक फीचर है। विंटर में ही हमारे यहाँ पे ड्राई सीजन आता है, और इसीलिए आपको सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे, होंठ फट रहे हैं, एरिया फट रही है, ड्राई हो रहा है स्किन, मॉइस्चराइजर लगाइए। ये सब सर्दियों में आता है, बोरोप्लस से लेकर के बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। वेदर इज सॉरी नॉर्मल, द वेदर इज डैश कर लीजिएगा, द वेदर, वेदर इज डैश कर लीजिए कि वेदर कैसा होता है। क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और स्लैश करके लिख लीजिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और स्लैश करके लिखिए, वेस्टर्न साइक्लोनिक विंड्स, वेस्टर्न साइक्लोनिक विंड्स ये इस टाइम पे आते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक विंड्स रीचेस नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट इंडिया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट इंडिया, मुंबई, गुजरात, ठीक है, इन सब जगहों पे इस टाइम पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज टाइम फॉर राबी क्रॉप कल्टीवेशन, इट इज टाइम फॉर राबी क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। एंड लास्टली, there is no defined winter season in southern India, ठीक है।
देयर इज नो डिफाइंड विंटर सीजन या कोल्ड सीजन इन सदर्न इंडिया. साउथ इंडिया में कोई खास इस तरीके का होता नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. समर यानी कि प्री मानसून या फिर हॉट वेदर सीजन. समर, प्री मानसून या हॉट वेदर सिस्टम, कुछ भी तो, तीनों चारों में. कब से कब तक है ये? मार्च से मई. ठीक है, इन मार्च टेम्परेचर रीचेज अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस. इन अप्रैल इट रीचेज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस. हाँ, इन 38 अप्रैल में, सॉरी मार्च में, अप्रैल में 40-42 डिग्री सेल्सियस एंड इन मई इट रीचेज अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस विच इज वेरी कॉमन. इन मई इट रीचेज अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज वेरी कॉमन. ठीक है, अब ये कॉमन होने की वजह से और इतना टेम्परेचर राइज होने की वजह से इट क्रिएट्स लो प्रेशर. इट क्रिएट्स अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर, अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर अराउंड विच द सर्कुलेशन ऑफ एयर स्टार्ट्स, अराउंड विच द सर्कुलेशन ऑफ एयर स्टार्ट्स. और ये जो एयर सर्कुलेशन का स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लू. क्या बोलते हैं इसको? लू. दिस सर्कुलेटरी एयर ट्रांसफॉर्म्स इनटू विंड कॉल्ड लू. ये लोकल विंड है. ठीक है, लू इज स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड. लू इज स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड. From Thar Desert to Chhota Nagpur Plateau. ठीक है, थार से लेकर के और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये हवा चलती है. कौन सी हवा? लू. This is called काल बैसाखी. It is called काल बैसाखी in वेस्ट बंगाल. ठीक है, तीसरा सीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. थर्ड इज मानसून. मानसून हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और चौथा सीजन पोस्ट मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, जो हमने पढ़ा कि कैसे कैसे वापस जाता है. ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट लिख लो, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. अब ये कहां से कहां तक इसकी हवा चलेगी? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है तो कहां से चलेगी हवा? नॉर्थ ईस्ट से चलेगी. नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना. साउथ वेस्ट मानसून था तो साउथ वेस्ट से चल रही थी. नॉर्थ ईस्ट मानसून है तो नॉर्थ ईस्ट से चलेगी. ठीक है, दिस मानसून रीचेस द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन नवंबर एंड दिसंबर. कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन
नवंबर एंड दिसंबर, तमिलनाडु डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम मेन मॉनसून बट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड मॉनसून, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेनफॉल फ्रॉम मेन मॉनसून, जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून होता है वो मेन मॉनसून है, उससे तमिलनाडु को बारिश नहीं मिलती है, जबकि किससे मिलती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड से मिलती है। इट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स तमिलनाडु, ठीक है, इट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया टू तमिलनाडु इन विंटर सीजन, जब इंडिया में विंटर हो रहा होता है तब ये मॉनसून जो है वो चलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू तमिलनाडु। ठीक है, एक और नोट लिख लो, इन इंडिया साइक्लोन्स या साइक्लोनिक विंड्स साइक्लोन और साइक्लोनिक विंड्स अकर इन सेप्टेंबर अक्टूबर ऑन ईस्टर्न कोस्ट, सेप्टेंबर अक्टूबर ऑन ईस्टर्न कोस्ट एंड दिसंबर टू फरवरी ऑन वेस्टर्न कोस्ट। जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज है हमारी, साइक्लोन्स है जो, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि वो उस टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आता है, ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आता है इसलिए वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होने के वजह से वहां पे क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न पार्ट पे साइक्लोन दिसंबर जनवरी में आता है, और जबकि ईस्ट साइड में अक्टूबर नवंबर सितंबर से लेकर के और अक्टूबर तक जो है वो आता है, यानी कि पोस्ट मॉनसून सीजन में, यानी कि इस पीरियड में आता है, ठीक है, या समर एंड हो रहा होता है तब आ रहा होता है, ठीक है, कोई डाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और अब आज तो नहीं हो पाएगा सोयल, ठीक है, तो लेट्स कवर अप द सोयल इन द नेक्स्ट सेशन।